देश भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स कोरोना की जंग में लगातार जुटे हुए हैं। वहीं राजधानी के चारदीवारी के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में राजस्थान पुलिस के 300 कमांडोज ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही कर्फ्यूग्रस्त इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। यह फ्लैग मार्च बड़ी चौपड़ से शुरू होकर मानक चौक, रामगंज, सुभाष चौक और गंगा पोल होते हुए निकाला गया। इस फ्लैग मार्च को जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा और राहुल प्रकाश ने लीड किया। आज हमारे जो जयपुर पुलिस के जितने भी कमांडोज हमारे साथ में हैं, जिसके अंदर की जेब्रा है, जेब्रा के साथ में हाड़ा रानी है, आरएसी की बटालियन से, और उनके साथ में जो एसटीएफ की कंपनीज हैं हमारी, उसके पीछे हमारे कमांडोज हैं और जो बॉर्डर होम गार्ड के लोग हैं, ये सभी मिलकर आज एक हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और एक प्रतीक है, एक संदेश है, सबसे बड़ा प्रतीक और संदेश है हमारे उन जवानों के लिए जो कि कर्फ्यू एरिया के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, उन लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कि आप लोगों के साथ में इतने जवान लगे हुए हैं ड्यूटी पर, तो आपको डरने की और परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। हम सब लोग एक साथ मुश्तैदी से, जोश और जुनून और पूरे उत्साह के साथ कोरोना की जंग को हराने के लिए लगेंगे और साथ लॉकडाउन 3 को सफल बनाएंगे।